नमस्कार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपके ड्राइंग लाइन टूल में है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल को सिलेक्ट करते ही हमारे इसके जो मेन्यू बार में जो आपका प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो है आपका फ्री हैंड स्मूदिंग, सेकेंड है आपका स्ट्रोक विड्थ, फिर कुछ इसकी कैटेगरीज आती है जो कि ब्रश टूल में होती है। सबसे पहले कैटेगरी, इसमें देखिए इतनी सारी कैटेगरीज है, आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट्स, स्क्रॉल, इनमें अलग अलग कैटेगरीज की सब कैटेगरीज होती हैं। ये आपको जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, इसकी विड्थ कम, इंक्रीज, डिक्रीज करके और कुछ भी अलग। स्क्रॉल में आपका अलग अलग आपकी सब कैटेगरीज आ गई। सेकेंड है आपका स्प्रेयर टूल। स्प्रेयर टूल में भी आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बहुत सारी डिफरेंट होती है। सबसे पहले है आपका इसमें ब्रश स्ट्रोक्स, फूड, फुटप्रिंट, इनकी सबकी अलग अलग सब कैटेगरीज है जो कि जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। देखिए ये इसकी ऑब्जेक्ट्स की सब कैटेगरीज आ रही। थर्ड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके तीन ऑप्शंस आ चुके हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन वही है स्मूदिंग वाला, सेकंड आपका स्ट्रोक विड्थ, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एंगल। हम जब कैलीग्राफी पेन यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के निब्स को देखते हैं, तो वो एक एंगल से कटी हुई होती है, वो उसके डिग्री को डिफाइन करती है, उस एंगल के डिग्री को। तो सिमिलरली आपका ये जो ऑप्शन है वो उसी चीज़ को डिफाइन करता है। ये अभी हमने 0 डिग्री पे किया है। आप देखिएगा जैसे मैं इसके एंगल को इंक्रीज करती हूँ, ये इस तरीके से हो गया 35 डिग्री पे, आपका इस तरीके से स्ट्रोक आता है। फिर शेप टूल से चाहे तो हम इसके जो नोट्स को लेके हम इसको सही कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नोट्स को, अगर कुछ कोई नोट्स आपका फालतू का उसको हटाना है वो भी कर सकते हैं। शेप टूल अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्री आर्टिस्टिक मीडिया में है आपका प्रेशर टूल। प्रेशर टूल भी सिमिलरली आपके कैलीग्राफिक टूल की जैसा होता है, लेकिन इसमें एंगल नहीं होता। एंगल ना होने की वजह से ये राउंड में आता है, इसके जो भी स्ट्रोक्स होंगे वो राउंड में आएंगे। इसको हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसकी विड्थ को। आप जब भी इस तरीके से कोई टूल यूज करते हैं तो आपका माउस के ऊपर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।